गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 विच इज एसिड बेस एंड साल्ट, एंड वी हैव कंप्लीटेड द इंडिकेटर्स लाइक लिटमस एंड टर्मरिक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद चाइना रोज. चाइना रोज इज ऑल्सो इंडिकेटर विच कैन शो यू वेदर the substance is acidic or basic. So let's start. Collect some China rose or gudhal petals. आपको कुछ गुड़हल या चाइना रोज उसकी पेटल्स इकट्ठा करनी है. Place them in a beaker. एक आपको बीकर में इकट्ठा करना है. फिर आपको उसके बाद add some warm water, उसमें कुछ गर्म पानी डाल देना है. Keep the mixture for some time, कुछ देर के लिए मिक्सचर को अलग रख लेना है. कब तक? टिल वाटर बिकम कलर्ड, जब तक जो उस पानी में जो आपका चाइना रोज लिया उसका कलर उस पानी में नहीं आ जाता तब तक. यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर. इसमें आपको दिखा रखा है कि जो इंडिकेटर का कलर कैसा आ गया हमारे पास, ये वाला. अब क्या करना है, इसको हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे. वॉट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन. क्या क्या इफेक्ट आएगा? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक मैजेंटा कलर. जो चाइना रोज का जो कलर होता है वो अगर उसमें एसिड आप मिलाते हो तो डार्क ग्रीन या फिर डार्क पिंक सॉरी या फिर मैजेंटा कलर का हो जाता है. और अगर आप उसमें कोई बेस मिलाते हो या कोई साबुन का पानी मिलाते हो तो वो कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है. पहली बॉट द फॉलोइंग. पहली फो यू, पहली एक पहली लेके आई आपके लिए, आप सॉल्व करोगे अपने आप. नेक्स्ट एक्टिविटी, ये लेबोरेटरी की एक्टिविटी है. नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे. ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज दिस आर कोरोसिव इन नेचर एंड इरीटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन. ये जो अगर आप लेबोरेटरी में अगर एसिड्स के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये थोड़े से हार्मफुल होते हैं, थोड़े से हार्श होते हैं हमारे लिए और हमारी स्किन को जला भी सकते हैं, इचिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. अब न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? मतलब कि अगर कोई एसिड है तो उसे न्यूट्रल करना, अगर कोई बेस है तो उसे न्यूट्रल करना, जिससे उसमें ना तो एसिड ज़्यादा रहे ना बेस ज़्यादा रहे, उसे बिल्कुल न्यूट्रल कर लेना. वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. हमने ये पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं. एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू करते हैं. लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्सचर विद बेस. अब देखते हैं कि क्या होगा अगर हम किसी एसिड और बेस को ही मिला दें तो क्या होगा. वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार. हम एक और कोई इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो अभी तक हमने नहीं देखा. इट इज फिनोफ्थेलिन. फिनोफ्थेलिन नाम का हम इंडिकेटर अब यूज़ करेंगे. एक्टिविटी क्या है? वन फोर्थ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डायल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एक टेस्ट ट्यूब में 1/4 क्या लेना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक एसिड है वो लेना है. नोट डाउन इस कलर, उसका कलर चेक करना है क्या कलर होगा. उसके बाद नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोफ्थेलिन सॉल्यूशन ऑल्सो. फेनोफ्थेलिन सॉल्यूशन का हमें कलर देखना है. नाउ एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड. अब जो हमने इंडिकेटर लिया है फेनोफ्थेलिन, उसका 2 या 3 ड्रॉप्स हमें हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देना है. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. अब उस ट्यूब को हमें जेंटली मिक्स करना है जिससे जो उसके फिनोफ्थेलिन है और उसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छे से. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड. अब आपको क्या दिखता है, कोई कलर में चेंज हुआ? एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर. सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप डालना, ये भी एसिड है, वो दोबारा से हम उसमें डालते हैं और फिर उसे मिलाते हैं अच्छी तरह से. अब क्या फिर कोई कलर चेंज होता है? कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे हमें उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाना है और उसे मिलाते जाना है. नाउ एड
वन मोर ड्रॉप ऑफ डायल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब एक दो ड्रॉप हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालनी है. वैन वॉट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व करते हो आप? द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस. जो सॉल्यूशन का कलर आया था, जो हमारा पिंक कलर आया था सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो पिंक कलर आया था वो हमने दोबारा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो दोबारा से कलरलेस हो गया, दोबारा से पानी जैसा कलर हो गया. अब क्या करेंगे? अब दोबारा से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या होगा? दोबारा से धीरे धीरे वो पिंक कलर का होता जाएगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड से दोबारा से पिंक कलर का होता जाएगा. अब अगर हम उसमें दोबारा से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो धीरे धीरे वो दोबारा कलरलेस हो जाएगा. तो इससे क्या प्रूफ होता है? इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक. तो जब सॉल्यूशन बेसिक होता है, जब उसमें बेस बढ़ने लगता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था ये बेस था, तो जब ये बेस बढ़ने लगता है इसमें, तो जो फेनाफ्थलिन होता है ये पिंक कलर का हो जाता है. और जब उसमें हम एसिड मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, तब वो फिर से कलरलेस हो जाता है. When an acidic solution is mixed with a basic solution, जब एक acidic solution को एक basic solution के साथ मिलाया जाता है, both the solution neutralize the effect of each other. तो ये जो दोनों solution होते हैं ये एक दूसरे के effect को ख़त्म कर देते हैं, acid और base एक दूसरे के effect को ख़त्म कर देते हैं. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, जब एक suitable amount में दोनों, मतलब कि एक fix amount में, सही अमाउंट में दोनों को अगर मिक्स करते हैं, तो बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, तो एसिडिक, तो एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. ना तो एसिड का एसिडिक नेचर बचता है और ना बेस का बेसिक नेचर बनता है, अगर दोनों की सही क्वांटिटी हो तो. द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. और उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा. टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. और जो आपने अभी न्यूट्रलाइजेशन किया उसके बाद आप तुरंत उसको टच करो टेस्ट ट्यूब को, आपको क्या फ़र्क पता चलेगा? वो टेस्ट ट्यूब गर्म होती है. वॉट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे? इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व. उसमें क्या होती है? हमेशा हीट इन्वॉल्व होती है, हीट निकलती है हमेशा. द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर. तो ये जो हीट जो होती है वो उसमें बनती है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में, और जो उसका मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता है उसे बढ़ा देती है, उसे गर्म कर देती है. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ फ्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म. जो न्यूट्रलाइजेशन जो करते हैं हम, उससे एक नई चीज़ बनती है. क्या होती है वो? साल्ट, नमक. मतलब ना तो साल्ट में हमारा एसिड होता है ना ही बेस होता है. साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. साल्ट जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक भी हो सकता है, थोड़ा सा उसमें हो सकता है एसिड हो, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. दस इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज. इस तरह से हम न्यूट्रलाइजेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन. साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट. तो इस प्रोसेस में साल्ट और वाटर बनते हैं और साथ में हीट भी निकलती है. तो एसिड और बेस मिले तो इससे क्या बना? साल्ट और वाटर और हीट निकली थोड़ी सी. तो एग्जांपल हम कैसे लिख सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये एसिड है. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मतलब कि हमारा सोडा. तो इसमें सॉरी सोडा नहीं है, NaOH. ये क्या है? बेस. ये तो एसिड हो गया, ये बेस हो गया. जब हमने इन दोनों को मिलाया तो सोडियम क्लोराइड मतलब नमक बना और वाटर बना. वो जो एडेड डायल्यूटेड सल्फरिक एसिड टू लाइम वाटर. अब बोजो ने सल्फरिक एसिड में लाइम वाटर चूने का पानी मिलाया तो रिएक्शन कैसी होगी? कोल्ड होगी या हॉट होगी? ऑब्वियसली बात है हॉट होगी, क्योंकि जो सल्फरिक एसिड है ये तो एसिड है और लाइम वाटर क्या है? बेस है. तो उसमें हीट ही जनरेट होगी.
न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इंडाइजेशन मतलब कि जब पेट में इंडाइजेशन होता है, अपच होती है तब। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर टू, हमारे चैप्टर में टू में पढ़ा था हमने ये, बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। लेकिन जब ये एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे पेट में क्या होता है, इंडाइजेशन। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी बहुत बहुत दर्द होता है इसमें। टू रिलीव इंडाइजेशन, इंडाइजेशन ख़त्म करने के लिए, उससे रिलीफ लेने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक एन एंटासिड। तो हम एंटासिड यूज़ करते हैं जो हमारे एसिड को कम कर सके, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का मिल्क, उसकी दवाई आती है जो आपकी एंटासिड, जितनी भी दवाइयाँ होंगी सब में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, तो ये क्या करता है, हमारे पेट में जाके जो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है उसका इफेक्ट को कम कर देता है और हमारा इंडाइजेशन ठीक हो जाता है। आंट बाइट, चींटी के काटने पे, व्हेन एन आंट बाइट्स, जब कोई चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। तो जब ये काटती है तो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड जो होता है उसे हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो इसके जो चींटी के काटने के इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसमें जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको अगर हम हमारी स्किन, मतलब कि जो मीठा सोडा जिसे हम बोलते हैं, उसे अगर हम स्किन पे रब करें तो चींटी के काटने का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। और कैलेमाइन सॉल्यूशन, जिसमें विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, या फिर कोई भी जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन हम उस पर रब कर सकते हैं, जो आंट बाइट का इफेक्ट ख़त्म कर देता है। सॉइल ट्रीटमेंट, मतलब मिट्टी के ट्रीटमेंट में कैसे काम आता है ये न्यूट्रलाइजेशन। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक, हमारे बहुत सारे एसिड्स जलते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स जलते हैं हमारे मिट्टी में, उसकी हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो क्या होता है, जब ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंसेस हम यूज़ कर लेते हैं तो मिट्टी जो होती है वो एसिडिक हो जाती है, उसमें एसिड ज़्यादा हो जाते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो जो प्लांट होते हैं वो अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक है या फिर ज़्यादा बेसिक है, दोनों में ही प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते। सो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब ज़्यादा सॉइल में एसिड होते हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं उसे, इट इज़ ट्रीटेड विद द बेस लाइक क्विक लाइम, या तो उसमें चूना मिला देते हैं या फिर स्लेक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। इट इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल में बेस ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर या फिर खाद उसमें ज़्यादा मिलाई जाती है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। तो ये जो कंपोस्ट होती है, खाद जो होती है, ये उसमें मिलाया जाता है जिससे वो जो हमारा जो बेसिक नेचर ज़्यादा हो रहा है सॉइल में उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। फैक्ट्री वेस्ट में कहाँ कैसे काम आता है, द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड, जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं उसमें बहुत सारे एसिड होते हैं। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज, अगर उनको पानी में बहने दिया जाए तो द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो उन एसिड से क्या होगा, मछलियाँ और पानी में रहने वाले और जो जीव जंतु हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे। द फैक्ट्री वेस्टेज आर, इसलिए जो फैक्ट्री के वेस्टेज होते हैं उनको न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, तो उनमें बेसिक सब्सटेंसेस मिला के उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है जिससे वो किसी को नुकसान ना करें। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ, ये आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको PDF में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।